हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी केक, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा और चौथाई कप सूजी। इसको हम 3-4 चम्मच दही के साथ मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के इसको थोड़ा पतला बना लेंगे घोल। मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि मैंने इसमें सूजी जो डाला है वो अच्छे तरह से फूल जाए। अब मैदे को फूलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये पिसी हुई चीनी। ये मैंने आधा कप लिया है और इसमें ये 3-4 चम्मच कोको पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी ये बेकिंग सोडा चुटकी भर और ये बेकिंग पाउडर। अब इसको हम मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाएंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से दूध डाल डाल के और इसको मिलाएंगे। जब सारी चीजें अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें ये डाल देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये बटर पिघला के इसकी जगह हम ऑयल भी डाल सकते हैं। ये केक बनने के लिए हमारा बटर तैयार हो चुका है। अब इसको हम पैन में डाल लेंगे। हम अपने पैन में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। बेटर को हम ऐसे आधा आधा इसमें भरेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे खंडों को आधा आधा भर लेंगे। सारे खंडों को भर लिया है। अब मैं इसको गैस पे बिठा दूंगी और इस पे ढक्कन लगा दूंगी। इसको मैं लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी। इसको हमको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है, तभी जाके हमारा केक बिना जले हुए बढ़िया से पक पाएगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको देख लेती हूँ। देखिए, ये हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे। ये एक टूथपिक लगा के चेक करेंगे। देखिए कितनी साफ आ रही है, इसका मतलब है कि केक हमारा पक चुका है। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के और इसको सजा देंगे। ये सारा मेरा सज चुका है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के और 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। क्रीम से और ड्राई फ्रूट से सजने के बाद देखिए मेरा मिनी केक कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हम 10-15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद खा सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।